हमारे को आए पैसे आए जी और आज ही आए, और ये अजी साहब को शुक्रिया अदा करना चाहते। जी कितने रुपए आए? 3,000। ठीक है, आप कहाँ से हैं? इसाक हाजी साहब की तरफ से। तो आपको इसके अलावा और? इसाक हाजी साहब बहुत काम करते हैं हमारे लिए जी। आप पैसे तो आए हाजी साहब ने ही करा के दिए हो। अल्हम्दुलिल्लाह आज इतने खुश है हमारे पूरे गली के महल्ले के लोग, तकरीबन लोगों को पैसे मिल चुके, हमारे को भी आए 3,000 रुपए। हम हाजी साहब का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। हमारे हमारे जो एरिया, हमारा जो क्षेत्र है, हमने जो हमारे को 30% भी पैसे नहीं आ रहे, तो इसका मतलब क्या है कि आप एक कास्ट को नहीं देना चाह रहे और दूसरे को दे रहे। और दूसरी बात, अगर अगर ये आप ऐसा कर रहे तो शिंदे साहब ये बहुत बड़ी भूल है आप लोगों की। महाराष्ट्र में हमने बहुत अच्छा काम करे, पर ये आपका फेलियर है। हम चाहते हैं कि आपको जितने भी हमने फॉर्म भरे, पूरे महाराष्ट्र में जितने भी फॉर्म भरे उतने आप एक्सेप्ट करिए। इसाक हाजी साहब तकरीबन 10 साल से यहाँ के जो ज़रूरतमंद लेडीज़ है और जो भी लोग हैं तो इनके लिए मुफ्त में सेवाएं जो गवर्नमेंट की स्कीम्स होती है वो लेकर आते हैं और वो सक्सेसफुल उनको करके उनके लिए हर चीज़ इन तक पहुँचाते हैं। तो हम इनसे जानते हैं, अस्सलाम वालेकुम। हमारे को आए पैसे आए जी और आज ही आए, और ये हाजी साहब को शुक्रिया अदा करना चाहते। जी तो आपने हाजी साहब के पास फॉर्म भरे थे? हाँ भरे थे। हाँ तो आपसे यहाँ पर कोई चार्जेस लिए गए थे उनसे? नहीं नहीं, चार्जेस विजेस कुछ भी नहीं, फ्री में भरे थे। फ्री में भरे थे और आज आपको पैसे भी आ गए। हाँ जी। तो आंटी आपने कहाँ पर फॉर्म भरे थे? इसाक हाजी साहब का ने। तो आपने आपके पास आज यहाँ पे आप शुक्रिया अदा करने के लिए मौजूद है, तो आपके अकाउंट में पैसे आ गए? हाँ हाँ। कितने रुपए आए? 3,000। ठीक है, आप कहाँ से है? इसाक हाजी साहब की तरफ से। तो आपको इसके अलावा और कौन कौन सी सुविधा इनके जरिए से मिली है? इसाक हाजी साहब के जरिए से क्या मालूम पता नहीं। इससे पहले ईश्रम कार्ड वो बनाए थे? हाँ बनाए थे। तो आपको आपका बना था ना कार्ड? हाँ हाँ, फ्री में, ये भी फ्री में और वो भी फ्री में, दोनों। हाँ वगैरह पैसों का। अंकल आप बताइए, आपके अहलिया के अकाउंट में जो पैसे आए हैं लाडली बहन योजना के, तो इन्होंने कहाँ से फॉर्म भरा था? अल्हम्दुलिल्लाह जितने भी स्कीम आते हैं, हम किराड़पुरा वार्ड नंबर 42 के है। अल्हम्दुलिल्लाह 10 साल से हाजी साहब जो है तो लगातार हमारी खिदमत में है। इन्हीं टाइम उनको रात में 12 बजे, 1 बजे, दिन में कभी भी कोई भी मसले के लिए फ़ोन करो, अल्हम्दुलिल्लाह हाजी साहब जो है तो हमारी खिदमत में अवेलेबल है। और कितने भी बजे फ़ोन करो, अल्हम्दुलिल्लाह रिस्पॉन्स देते हाजी साहब। और अल्हम्दुलिल्लाह आज इतने खुश है हमारे पूरे गली के महल्ले के लोग, तकरीबन लोगों को पैसे मिल चुके, हमारे को भी आए 3,000 रुपए। हम हाजी साहब का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहते हैं, और हर एतबार से हाजी साहब जो है हमारी खिदमत में अवेलेबल 24 घंटे रहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। जी ठीक है, आपका नाम बता दीजिए। मेरा नाम सईद खान महमूद खान। यहाँ मौजूद है जिनकी अंकल की अहलिया को यहाँ पर अमाउंट आ चुका है लाडली बहन योजना का, इसाक हाजी साहब की जानिब से जिन्होंने कैंप में फॉर्म भरा था, तो इनसे जानते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी अंकल बताइए कि कहाँ पे फॉर्म भरे थे आप? इसाक हाजी साहब के पास, इनके कैंप में। हाँ उसमें उनके कैंप में भरे। तो आज आपको 3,000 रुपये, आपके 3,000 रुपये आ गया अकाउंट। जी तो इसके अलावा और कौन कौन से आप तक सुविधा है इसाक हाजी साहब की जानिब से? इसाक हाजी साहब बहुत काम करते हैं हमारे लिए जी, जैसे कि इससे पहले उन्होंने गैस ईश्रम कार्ड वो सारी सुविधा। हाँ वो सब की, वो सब सब करा के दिए उन्होंने। हाजी साहब हमारे लिए सब, यानी नल का वो हर चीज का काम कर रहे हो, हमारी गुजरा भी है तो उसकी तकलीफ नहीं है हाजी साहब से। पैसे तो क्या, पैसे तो आए हाजी साहब ने ही करा के दिए हो, उनका कोई आप शुक्रिया अदा करना चाहते? शुक्रिया उनका तो शुक्रिया अदा करेंगे ना जी। और आपका नाम बता दीजिए। मेरा नाम मोहम्मद अयाज। ठीक है, जो पैसे आए लाडली बहन के, जो पैसे आए हुए वो आ गए अकाउंट के अंदर। क्या फॉर्म भरे थे आपने? हाई साहब के पास में। अच्छा, हाई साहब के पास फॉर्म भरे थे, वाइफ के अकाउंट में आ गए। 3,000 रुपए। और क्या क्या स्कीम देते हैं हाजी साहब? बहुत कुछ स्कीम देकर आए हैं साहब। तो मौजूद है इसाक हाजी साहब के घर पर, यहाँ से इनसे मजीद तफसीलात लेने आए हैं। जो इनकी जानिब से कैंप रखा गया था महिलाओं के लिए, जो लाडली बहन योजना का कैंप इनके जरिए से रखा गया था, इसकी मजीद तफसीलात लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी सर, आप क्या कहना चाहेंगे? आपने जो कैंप रखा था 1 जुलाई से लेकर 15 जुलाई के दरमियान, तो वो आज सक्सेसफुल हो गया और सारी महिलाओं के अकाउंट में 3,000 रुपए आ चुके हैं। अल्हम्दुलिल्लाह जो हमने खिदमत अंजाम दिए थे वो उसका रंग दिखने को मिला। 1 जुलाई से 15 जुलाई तक हमारे किराड़पुरे में हमने एक
बड़ा कैंप लगाए थे, 15 दिन चला, उसमें 4,400 लोगों ने फॉर्म भरे थे, उसमें किराड़पुरे के अलावा बाकी शहर के लोग भी थे, तो जिसमें से 400 फॉर्म जो है तो वहीं जगह पे रिजेक्ट हो गए थे, किसके पेपर कम थे, 4,000 फॉर्म भरे थे, अब 4,000 फॉर्म सेलेक्ट हुए थे। आप अभी जो हमारे को जानकारी मिली, इसमें से 30 से 35% लोगों को 3,000 रुपये उनके अकाउंट में आ चुके, अल्हम्दुलिल्लाह ये बड़ी बहुत बड़ी बात है। और आप जो एरिया में फिरे वो सिर्फ एक ही गली के लोग थे, ऐसे कई एरिए में पूरे महल्ले में काम आया है, रहमानिया में, अल्तमश में, शरीफ कॉलोनी, जहाँ जहाँ लोगों के आए थे वहाँ के लोगों के आए हुए, पर जो बाकी जो लोगों के नहीं आए उन लोगों के रिजल्ट हो गए। तब रिजल्ट ऐसा हो गया कि हम ये डायरेक्ट हम आरोप है हमारा महाराष्ट्र गवर्नमेंट के ऊपर कि इन्होंने इलेक्शन के ताल्लुक से, इलेक्शन के वास्ते इन्होंने सिर्फ गवर्नमेंट पब्लिक को एक लॉलीपॉप देने का काम किया। क्यों ये फिर एक ये आरोप है मेरा, जो मनसे का जो एक नेता था हमारा महाजन औरंगाबाद का, उन्हें कहा था कि शिंदे सरकार ने मुसलमानों को ये इसका लाभ नहीं देना करके, तो ये उसी का भी एक नतीजा हो सकता है। क्यों कि हम हिंदू एरिया में अगर हमने देखे, दूसरे कास्ट में देखे, तो 98% उन लोगों को पेमेंट आ रहा, उन्हीं का मंत्री आमदार गंगापुर का उनका स्टेटमेंट है कि मेरे एरिया में दोनों विधानसभा गंगापुर और खुलताबाद विधानसभा में 98% हमने महिलाओं को ये लाभ उठाए। तो उसके बाद में हमारे जो एरिया, हमारा जो क्षेत्र है, हमने जो हमारे को 30% भी पैसे नहीं आ रहे, तो इसका मतलब क्या है कि आप एक कास्ट को नहीं देना चाह रहे और दूसरे को दे रहे। और दूसरी बात, अगर ये आप ऐसा कर रहे तो शिंदे साहब ये बहुत बड़ी भूल है आप लोगों की, गवर्नमेंट की, आप समझ रहे होंगे हमने बहुत बड़ा हिंदुस्तान महाराष्ट्र में हमने बहुत अच्छा काम करे, तो ये आपका फेलियर है। हम चाहते हैं कि आपको जितने भी हमने फॉर्म भरे पूरे महाराष्ट्र में जितने भी फॉर्म भरे उतने आप एक्सेप्ट करिए और सब महिलाओं को, पूरे गरीब महिला है उनको सबके आपके अकाउंट में, उनके अकाउंट में 3,000 रुपये डालिए। क्योंकि आपने कहा था कि मेरी पूरी बहना, जब आप सिल्लोड़ में प्रोग्राम कर रहे थे पालक मंत्री साहब के पास में, तो आपने कहा था कि मेरी सबसे पहले अगर आपको किसने राखी बांधाऊंगा तो हमारे वालूच के सरपंच भाभी ने, उन्होंने राखी बांधी और उन्होंने कहा कि सबसे पहले मेरी बहन ही है, तो आपने सबके सबसे पहले बहन को आपने देना चाहिए लाभ, उनका सबको उठाना चाहिए, चाहे वो हिंदू हो मुसलमान है या कोई भी जात नहीं होना चाहिए। जब अगर आप हमारी बहन बोलते तो आपको बहन का जात नहीं देखना चाहिए। ये हमारा आपसे ये अनुरोध है और आपसे गुजारिश है कि जितने भी हर जगह के फॉर्म जो भरे हुए होंगे वो पूरे फॉर्म आप सेलेक्ट कर दीजिए और उनके पूरे अकाउंट में उनके पैसे डाल दीजिए। जी हाजी साहब, अभी आपका जिस तरीके से 10 साल से आप गरीबों के लिए और जनता के लिए अच्छी अच्छी खिदमत से अंजाम दे रहे हैं, गवर्नमेंट स्कीम का इनको लाभ मिल रहा है आपके जरिए से, तो आगे इसका और क्या फायदा लोगों को मिलने वाला है आपके जरिए से? हमने 2015 में जब यहाँ के किराड़पुरी की आवाम ने हमको जब चुन के दिए थे मजलिस की तरफ से हमारे वालदा को, तो हम जब से काम कर रहे हैं और उससे पहले भी हम काम करते थे, तो ये हमारी एक पूरी टीम है, इरफान भाई हो गए, उनका बच्चा हो गया, दूसरे हमारे जो फारूक पठान है, दूसरे हमारे पूरे ऐसे 50-60 लोगों की टीम है, हम पूरा काम करते हैं। जो भी गवर्नमेंट की स्कीम आती हम कोशिश करते हैं कि हम हमारी किराड़पुरी के आवाम को उसका फायदा उठाए, लाभ उठाए। इससे पहले क्योंकि हमने घरकुल की स्कीम लाए वो हमने पहुंचाए, हमने गैस स्कीम लाए वो पहुंचाए, हमने मुख्यमंत्री से 1,00,000 रुपए जो बीमारी के आते वो पहुंचाए और अनेक योजना लाए हमने, जो 2015 से पहले किराड़पुरी के आवाम को मालूम नहीं था योजना गवर्नमेंट की क्या होती करके, पर अल्हम्दुलिल्लाह हमने कोशिश करे पूरी पहुंचाने की और पहुंच रही भी और लोग उसका लाभ भी उठा रहे। मैं फिर आपके माध्यम से, इस चैनल के माध्यम से महाराष्ट्र गवर्नमेंट को एक अपील करता हूँ, जितने लोगों ने फॉर्म भरे आप प्लीज उनका ध्यान रखते हुए उनके अकाउंट में पैसे डाल दीजिए। किसी का ऐसा मत करो कि भाई अभी 30% और 98% बहुत फर्क है सब उसमें। हमारे पास में जो फॉर्म भरे उनको 30% लोगों को पैसा मिला और दूसरे लोगों ने जो फॉर्म भरे उनको 98% पैसा मिला, ये सही बात नहीं है। ठीक है हाजी साहब, आपने अपना कीमती वक्त हमको दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नहीं, आप लोगों का शुक्रिया, आप लोगों ने मेरे बैगाने में जाके तुमने पीछे सर्वे करे बात करे, इसलिए आप लोगों का शुक्रिया, आपके चैनल का भी शुक्रिया। खुदा हाफिज़।